HKS muffler. ऑल ओवर इंडिया सप्लाई. गलत फहमियाँ हो गई थी कि भैया मेरी तो 800 सीसी की गाड़ी है, इसमें कैसी आवाज़ आएगी, ये तो बड़ी गाड़ियों के लिए होते हैं वैल्ट्रॉनिक. बस ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया, ये थोड़े टाइम बाद दिक्कत आ जाएगी. इसकी वारंटी गारंटी क्या प्रॉब्लम है? आपने कभी हमारे को ऑल्टो 800 में वैल्ट्रॉनिक लगा के नहीं दिखाया? तो जो लोग गलत फहमी में है ना कि ऑल्टो में जबरदस्त आवाज़ नहीं आती, उन सभी के लिए है ये आवाज़. हैप्पी न्यू ईयर बादशाहों, आप सभी को और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. सो यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के वैल्ट्रॉनिक होती है, बट एक चीज़ जो अब सब में घूम रही है वो है गलत फहमियाँ कि मेरे पास मारुति 800 है, ऑल्टो 800 है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो क्या होने वाला है यार, लग जाएगा, कैसी आवाज़ आएगी, वो सब कुछ क्लियर होगा और कस्टमर एक्सपीरियंस दिखाएंगे. तो एक बार हमारे जो बादशाह लोग हैं उनके लिए आपका इंट्रो हो जाए. हमारे भाई आए हैं काफ़ी दूर से हमसे मिलने, तो बताइए भैया आपका नाम क्या है? मेरा विक्रम. विक्रम, मैं आया हूँ भराड़ी से. भराड़ी से. एंड भैया आप? मैं राहुल एंड आई एम फ्रॉम लक्कड़ बाजार. लक्कड़ बाजार से हैं आप? और वैसे बेसिकली शिमला से बिलोंग करते हैं लोकली? हाँ जी, हाँ जी, लोकली. और आज हमारे कैमरा मैन जो है वो हमने कनाडा से बुलाए हैं. एक बार आएंगे अपनी शक्ल दिखाएंगे, इधर आके इधर आ. ये हमारे शिव. ये हमने तो आपको इंजीनियर सिंह ऑटोमोबाइल्स के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो आपका यूट्यूब चैनल देखा था, कम से कम 6-7 महीने से फॉलो करता हूँ मैं आपको. अच्छा, 6-7 महीने से फॉलो करते हैं? अरे थैंक यू यार. जब तक हमारे कस्टमर ये चूज कर रहे हैं कि बोरला लगाना है या रेमस लगाना है अपनी ऑल्टो 800 में, तब तक आपको ये दिखा दें कि इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है. सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये वैक्यूम पाइप है. हर चीज कहाँ पे यूज होगी सब कुछ आपको बताया जाएगा. उसके बाद ये वाला बॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है भैया. इस पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट. ये है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है इसका रिसीवर, ये है इसके रिमोट्स, सब कुछ दिखाया जाएगा भाई. एंड ये इसकी वो तार है जो 12 वोल्ट के सॉकेट में आएगी. ओके, ये आपको रिमोट मिलने वाला है. ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा आपका वाल्व. ये जो आप एंटीना यहाँ पे मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, जी हाँ, ये वाला एंटीना ये यहाँ पे लग जाएगा. यहाँ पे आपकी वैक्यूम की पाइप लग जाएगी, ब्लू वाली जो आपको दिखाई थी. एंड यहाँ पे वो तार लग जाएगी, 12 वोल्ट के सॉकेट में जाएगी जो एक तरफ से. ये 12 वोल्ट वाला सॉकेट है, आगे लग जाता है, आप सभी को पता है, जहाँ पे आप चार्जर भी लगाते हो. और ये यहाँ पे लग जाएगा जैसा कि आपको बताया था. अब कई लोग मुझे बोलेंगे, हरी भाई ये टी वाली नोजल भी आई है इसके साथ, ये कहाँ लगानी है? ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो दो वैल्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं लेफ्ट एंड राइट. उसमें क्या होता है, यहाँ जो वैक्यूम वाला जो ये होता है रिसीवर, इसमें ये ऐसे लगाना पड़ता है और एक ब्लू कलर की पाइप इस तरफ लगानी है, एक ब्लू कलर की पाइप इस तरफ लगानी है. एक वैल्व को ये करेगी चलाएगी, एक वैल्व को ये चलाएगी. आपको डायरेक्ट लगानी है क्योंकि आपको एक ही वैल्व चलाना है. ये लीजिए आपका कंप्लीट सेटअप तैयार है. अब दिखाते हैं आपको एग्जॉस्ट. ये लीजिए आपका चमकता धड़पता बोरला प्रो एक्सेस. ये इसका वैल्व है, देख पा रहे होंगे आप. खोलते हैं इस वैल्व को थोड़ा सा हाथ से, ये देख रहे हैं, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है. यहाँ पे लगेगी वो ब्लू वाली पाइप दूसरी तरफ से. रेमस भी देख लो भाई, फिर बोलोगे रेमस नहीं दिखाया. इसको भी फाड़ देते आप सभी के लिए. तो इस पर लिखा है रेमस स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट और वुल्फ बना हुआ है, रेमस का लोगो जो होता है. ये देखो क्या चमकता धड़कता पीस है आप सभी के लिए. ऑल ओवर इंडिया सप्लाई, सेम वुल्फ, सेम रिमोट दबाया, खुल गया, रिमोट दिया, ऑफ हो गया, ये पूरा खुल जाता है यहाँ से. अब जब दिखा ही रहा हूँ तो कटआउट भी दिखा देता हूँ. कटआउट में आपको ये सब सामान मिलने वाला है. अंदर सेम वही मिलेगा जिसके साथ मिलता है, दो रिमोट, एक रिसीवर, एक एंटीना एंड वो ऑल स्टफ. एंड ये जब ये बंद हो जाएगा आपकी प्रॉपर वॉइस आएगी जैसे कि नॉर्मल आती है. जैसे ये खुलेगा
आपकी गाड़ी बन जाएगी स्पोर्ट्स धमाका। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि हैरी भाई आप सामान तो भेज देते हो, साथ साथ में ये भी बताओ कौन सी चीज कैसे लगानी है। तो ये वाला वाल्ट्रॉनिक का वीडियो देख के आइडिया मिलेगा मेरे उन भाइयों को जो किसी और वर्कशॉप पे कराते हैं, हमारा वीडियो दिखाओ हमसे जो आपने सामान लिया है उनको बोल दो। अगर मान लो आपने हमसे सामान नहीं भी लिया तो भैया इंस्टॉलेशन तो वैसे ही होगी ना, इजी हो गया ना आप लोगों के लिए। अपनी होंडा जैज़ के अंदर आ गया हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। यहां पे जो पाइपिंग अभी अंदर समझाई थी ना, अभी लगा के दिखाते हैं। दिस इज पावर आउटपुट। गाड़ी चाबी तेरे पास है? वाओ, होता क्या है ब्रदर कि हमारे को ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, फॉर एग्जांपल भाई के पास बलिनो है राइट, तो वो बोलते हैं भाई ये बलिनो में तो लग जाएगा, तो क्या ये 800 सीसी में लग जाएगा? भाई ने भी मुझे यही क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप पे राइट। तो ये ऐसा होता है दोस्तों कि ये हम बता देते हैं आपको कि कौन से वाला एग्जॉस्ट कितनी सीसी में बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। तो भैया थैंक यू वेरी मच हम पे भरोसा करने के लिए। फिलहाल आपका काम चल रहा है, वो हम काम थोड़ा शूट में दिखा देते हैं एंड उसके बाद इसका एक फीडबैक आपसे लेंगे कि आपको मजा आया कि नहीं आया। क्यों मजा तो आएगा ही आएगा, हमारे को तो पता है सेटिस्फेक्शन थैंक यू अगर एग्जॉस्ट की बात करी जाए या टिप्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप हमारे पास, ये हमारे पास आप अगर देखेंगे ध्यान से तो HKS मफलर, जी हाँ ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। हाई परफॉर्मेंस ओवल बोलते हैं इसको। इस तरह के और भी बहुत सारे डिजाइन है, आइए अंदर दिखाते हैं। टिप्स इसको, इस पे पेंट हुआ होता है ब्लू बर्न पेंट इसको बोलते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवल परफॉर्मेंस के साथ साथ ओवल शेप्ड टिप्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। कई लोगों को इस पे यहाँ पे क्या होता है बिल्कुल गोल चाहिए होता है, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। कई को क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर चाहिए होता है, जैसे कि ये वाला है, ये पैकेट के अंदर अभी ये देखो स्क्वायर है बिल्कुल, जैसे ये गोल है ना वैसे ये स्क्वायर एंड का होता है। ये भी मिल जाता है नॉर्मल विदाउट पेंट किए हुए भी मिल जाते हैं, कार्बन फाइबर भी मिल जाते हैं, और भी बहुत कुछ अवेलेबल है भैया हमारे पास। एक एक करके दिखाएंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि हैरी भाई आपने कभी हमारे को ऑल्टो 800 में वाल्ट्रॉनिक लगा के नहीं दिखाया, बलिनो i20 इन सब में तो दिखाते हो। HP63 का ये नंबर हमारे पास आया है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्टो 800। तो यहाँ पे इस तरह से वेल्ड करते हैं हम लोग स्ट्रेट पाइप। यहाँ पे दो कैन्स आपको निकालने हैं, एक तो ये वाला कैन जो अभी है इसमें लगा हुआ है और एक कैन हम निकाल चुके हैं वो भी दिखा देते हैं। यहीं पे कहीं पे रखा होगा मैंने, यहाँ पे ये कैन इसके मिडल जैसे में होता है। अलग अलग गाड़ी का अलग अलग हिसाब होता है यार। पहले तो ये जो मिड कैंप होता है ये हमने निकाला जैसा कि आपको दिखाया था। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं किस तरह से कनेक्टिविटी हमने दी गई है इसको। यहाँ पे पाइप लगती है जैसा कि आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ सारा सिस्टम कौन सा कैसे लगेगा एंड किस तरह से ये वर्क करता है, सब कुछ आपको समझा चुके हैं हम पहले ही। ऑन सो एक बार ऑन करें, आवाज बंद। कि एक और कंप्लेंट है कि आप हमेशा लगाते हुए तो दिखाते हो पर कभी कस्टमर एक्सपीरियंस ही दिखाते, कभी ये नहीं दिखाते कितना टाइम हो गया किसी को लगाए हुए। तो इस बार जो हमने अभी अभी ऑल्टो का लगाया था ये अप्रोक्सीमेटली एक साल होने वाला है, मोर देन 6 मंथ्स, मतलब 8-9 महीने के आसपास। तो अभी भैया से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो एक बार फिर से मिलवाते हैं। थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू भैया।
एक बार फिर से अपना नाम तो क्या ही बताना, ये भी एक ही वीडियो में से मर्ज कर दूंगा जो हमने पहले शूट नहीं करी थी। सो ब्रदर, सबसे पहले तो हमारी जो जनता है उसको बता दो आप हैप्पी हो इसके साथ, वेल्ट्रॉनिक के साथ। हैप्पी तो क्यों नहीं होंगे हैरी भाई, आपने काम करा और हम हैप्पी ना। थैंक यू वेरी मच। बट मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, जैसे इतना सारा टाइम हो गया ना, लोग गलतफहमी होती है, थोड़े टाइम बाद दिक्कत आ जाएगी इसकी वारंटी गारंटी क्या प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हो कोई प्रॉब्लम में तो दिक्कत नहीं। देखो आपने पहले दिन ही बोला था कुछ भी दिक्कत हो आ जाना, सीधा आ जाना, सीधा आ जाना। हाँ। कोई सीन नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अभी है ना, अब इतनी ऑफ रोडिंग करी है, नीचे चैम्बर जुम्बर भी बजा है इसका, पर ऐसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, चैम्बर भी बज गया, ऑफ रोड बहुत चला गया था ना, रास्ता तो पता ही आपको कैसे है ना, कोटखाई गए, चंडीगढ़ ले गया, सोलन चला गया, बहुत जगह चला गया हूं, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया, एकदम चला हुआ है। तो एक बार साउंड सुना दो इसकी, एक बार ऑफ करके भी सुना देना, एक बार ऑन करके भी सुना देना। ऑफ करके चला देते ना, अभी ऑफ करके सुना देना। अभी तो नॉर्मल है, ठीक है जी, ऑन कर दो, ऑन कर देते। ओह ये बेबी, सो जो लोग गलत फहमी में है ना कि ऑल्टो में जबरदस्त आवाज नहीं आती, उन सभी के लिए है ये आवाज। सो भाई से जाते जाते पूछ लेते हो, क्या आप किसी को ये रिकमेंड करते हो अपनी तरफ से? मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, लगा लो और मजे मारो, मजे मारो है ना, मजे मारो, फुल मजे मारो है ना। आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं? टोटली सेटिस्फाइड है। अब हम ड्रिफ्ट मार के दिखाएंगे, मजाक कर रहा हूं। वी आर इंस्टॉलिंग दिस बोरला प्रो एक्सेस इन दिस i20। अपनी i20 का ओरिजिनल HKS की डुअल टिप विद बर्न्ट टेक्सचर, जो कि शानदार लगने वाली है। आउटपुट भी सुना दे क्या इसकी? सो गाइज, अभी जो है आपका एग्जॉस्ट ऑफ है, अभी हम ऑन करेंगे एग्जॉस्ट। यहाँ पे इसके साथ अपने रिमोट लगाया हुआ है, सो हियर वी हैव इट, एग्जॉस्ट ऑन हो गया। You can feel it. Rev. On. ये बलिनो हमारे पास आई है चंडीगढ़ से, एंड इसमें लग रहा है बोरला। करना कुछ नहीं है इस चंडीगढ़ नंबर में, हमारे को निकालना है पहला चीज ये, एंड द सेकेंड वन दिस वन, और उसके बाद लगाना है ये बोरला जो आधा हमने वेल्ड कर दिया है एंड थोड़ा सा भी रह गया है। ऑफ सुन लो, ऑन कर ले, ये लो ऑन हो गया भाई। आज मारुति 800 में क्या लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं रेमस का एग्जॉस्ट। HKS के ओवल परफॉर्मेंस भी पड़े हैं एंड बोरला भी पड़ा है। ये स्पीकर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, चाहे आप हमारे स्टोर पे आते हैं या फिर हमसे ऑनलाइन मंगवाते हैं। YouTube पे इसका फुल वीडियो आने वाला है। सागर भाई रेव करो एक बार, ऑन कर दो एक बार एग्जॉस्ट। ओ ये बेबी, कम ऑन। सो यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट टिप भी इनको लगाई है, ब्लू बर्न वाली, जो कि अच्छी लग रही है, जबरदस्त रेमस का वाल्वट्रॉनिक। एक साल पहले इंजीनियर सिंह ऑटोमोबाइल्स किया था और आज ESA किस मुकाम पे पहुंच गया है, और उसका सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, आप लोगों को भी जाता है। जाने से पहले एक बार फिर से कहूंगा, इतना प्यार इंजीनियर सिंह ऑटोमोबाइल्स को देने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर watching. We'll be right back.